अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है, आज हम केनीशियन थ्योरी पढ़ेंगे जो कि हमारी मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की पहले कहा जाता था कि इकोनॉमी जो कि है वो अपने आप को खुद फिक्स कर लेती है, देयर इज़ अ इनविजिबल हैंड व्हिच इज़ गिवन बाय द एडम स्मिथ। ठीक है, तो ये जो कि है थ्योरी है, इसमें ये कहती है कि ये थ्योरी कहती है कि जो कि वेजेस जो के हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं हमेशा। ठीक है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंटरवेंशन करे जब भी इकोनॉमी की हालत ख़राब हो, लेकिन कुछ हद तक जो कि हमारी इकनॉमी वो अपने आप को खुद रिपेयर कर सकती है, लेकिन जब हालत बहुत बुरे हो जाते हैं तो इकनॉमी जो कि अपने आप को खुद रिपेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं, तो इसमें जो कि एग्रीगेट सप्लाई जो कि हमारा वो जो कि ये पॉइंट होता है जहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ये एग्रीगेट सप्लाई का जो ये पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारी जो इकनॉमी है वो अपने आप को यहाँ तक अपने आप को खुद फिक्स कर सकती है। क्योंकि जैसे ही ये हमारी एग्रीगेट डिमांड जो कि अगर अपर मूव होगी तो हमारी जो प्राइस लेवल है चीज़ों की वो भी बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ वेजेस भी बढ़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर कंट्री के उसके प्राइसेस चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए तो जो कि अपने एम्प्लॉई वो ज़्यादा वेजेस मांगेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर ये एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो उनको कम वेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर ये एग्रीगेट डिमांड ये बहुत ही कम हो जाती है और ये सप्लाई की इस लाइन में चले जाती है तो यहाँ पे एक रिसेशन गैप आ जाता है। ठीक है, रिसेशनरी गैप आ जाता है और हमारे जो वेजेस है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती बल्कि स्टिकी वेजेस रहती हैं, उनको हम स्टिकी वेजेस कहते हैं। ठीक है, अब समझिए जैसे एग्रीगेट डिमांड है वहाँ पर हमारा डीफ्लेशन इतना आ गया है, यानी इतनी सस्ताई हो गई जो ये जो कि हमारी रियल आउट जीडीपी है वो इस तरफ मूव कर गई है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड 1 यहाँ पर आ गया है और जाहिर सी बात है जब यहाँ पर आ जाता है डीफ्लेशन आ जाता है, तो डीफ्लेशन की वजह से जो के है वो नौकरियाँ जो के वो ख़त्म हो जाती हैं। कैसे ख़त्म हो जाती हैं, अब फ़र्ज़ करें कि अगर चीज़ें जो के बहुत ही सस्ती हो गई हैं तो क्या जो कि जो प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, क्या वो प्रोड्यूस कर पाएगा उस लेवल में, और क्या कंज्यूमर को पता है, अगर एक कंज्यूमर उसको पता है कि ये चीज़ आज इतनी की हो गई है, ये इस चीज़ के डिमांड जो के है ये दाम जो के है वो गिरती जा रहे हैं तो ये सस्ती होती जा रही है, तो क्या वो उस वक्त कंज्यूम करेगा, नहीं वो नहीं करेगा, वो वेट करेगा कि जब तक आगे वो बढ़े। और जाहिर सी बात है अगर वो चीज़ें जो के हैं ज़्यादा महंगे दाम में नहीं बिकेंगी तो जो कि एम्प्लॉई है उनको वेजेस उतने नहीं मिल पाएंगे, और वो एम्प्लॉय जो के इस थ्योरी में ये बताया गया है कि एम्प्लॉय इस वेजेस स्टिकी होते हैं तो एम्प्लॉय जो के हैं वो अपना वेजेस अगर उनको क्या कहते हैं वेजेस गिराते हैं तो वो कम वेज पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये प्राइस लेवल गिर गया लेकिन वेजेस यहाँ पे स्टिक होते हैं, ठीक है स्टिकी होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से हिलते नहीं हैं। ठीक है, तो उसने ये कहा हमारी कीनीजियन थ्योरी में ये कहा गया है कि जो कि वेजेस जो कि स्टिकी रहते हैं, सो द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द स्पेंडिंग टू क्लोज द गैप। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करें अपना, गवर्नमेंट अपनी दखलदाजी करे और जो कि जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए कोई फिस्कल को पॉलिसीज वगैरह बनाए या तो फिर वो पैसे डाले इकनॉमी में। ठीक है, तो ये था हमारा कीनीजियन थ्योरी। ठीक है, कीनीजियन थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी में यही फ़र्क होता है कि क्लासिकल थ्योरी बोलती है कि हमें जो कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और जो कि अपनी इकनॉमी अपने आप को सेट कर लेगी, लेकिन कीनीजियन थ्योरी में उसको ज़्यादा एलिबरेट कर दिया गया है क्योंकि 1930 के जो द ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो क्राइसिस आया था जो स्टॉक मार्केट जो क्लैश हो गई थी न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, तो उसकी वजह यही थी कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, प्रेसिडेंट हुअर थे उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई वो नहीं लिया, उसको यही बिलीफ था कि एडम स्मिथ ने कहा है कि इकनॉमी खुद अपने आप को रिपेयर कर लेगी लेकिन नहीं कर सकी, और ज़्यादा उसमें डी इन्फ्लेशन आता गया और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गए। ठीक है, जीडीपी कम हो गई, रियल डोमेस्टिक आउटपुट जो के या रियल डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो कम हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है
प्रोडक्शन होना कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट कम हो गए, चीज़ की जो कि वैल्यू नहीं रही, तो जो कि प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस करना छोड़ दिया, ये कम कर दिया, या जो कि एम्प्लॉय जो कि थे वो काम करते थे उनको उसको फायर करना पड़ा, ठीक है। तो जो ग्रेट डिप्रेशन में जब स्टॉक मार्केट जो फॉल हो गई थी, उसके बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया था और फिर उसके बाद डीफ्लेशन आ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है। अगर इसी तरह ही जो कि ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड जो कि यहाँ पर 2 आया फिर ये 3 आया, तो इसी तरह ही जो कि एग्रीगेट डिमांड को हम अगर बढ़ा दें यहाँ पर, तो ये फिर से अपने इनविजिबल हैंड में चला जाएगा, जहाँ पे हमारा इनविजिबल हैंड ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड डजंट लीड टू द हायर प्राइसेस अंटिल यू गेट क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब द रेट्रेट इफेक्ट, डज डिफ्लेशन फॉलिंग प्राइसेस ऑफन अकर्स नॉट एज ऑफन एज इन्फ्लेशन, व्हाई? इफ प्राइसेस वर टू फॉल द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज मस्ट फॉल ऑफ फॉर्म एंड वुड गो आउट ऑफ बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफ्लेशन की वजह से किस तरह हमारा जो कि वो बिजनेस ख़त्म हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज स्पेशली लेबर रियली फॉल बिकॉज द लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स unions wages decrease result in poor worker morals for must pay to change prices repricing items in inventory advertising new prices to consumer etc, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा जो के इकोनॉमी जो के कोलैप्स हो जाती है और इकोनॉमी में रिसेशनरी गैप आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ ही मैं चलता हूँ और ये वीडियो ख़त्म होती है।